नमस्कार, द पंचायत देख रहे हैं। मेरा नाम अनिल शारदा है। लंबे वक्त से हम लोग उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर कर रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। अभी हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज से बनारस की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 20 दिन हो गया और 20 दिन में बहुत कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। इसके पहले भी मैं आया था। मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को आग्रह को लेकर के भी आया हूँ। ये समझना है कि आखिर उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में या फिर कहीं विदेश में किन्हीं भी हिस्सों में जब चुनाव होते हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, कैसे वोट कर रहे हैं, आपके लिए प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या हिंदू मुसलमान या फिर अन्य चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी हैं, या फिर हमारे लिए शिक्षा स्वास्थ्य ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रोज़गार इम्पोर्टेंट है। गाँवों में जा रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं, मालूम चल रहा है कि कई जगह सड़कें नहीं हैं। आज भी प्राइमरी स्कूलों के हालात इतने बद से बदतर हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है एक अच्छी सरकार चुनने का, उनसे सवाल करने का, करप्शन को हटाने का, लेकिन आप और मैं और तमाम लोग उसी करप्शन का हिस्सा बन जा रहे हैं और उसे करप्शन को दूर ना बना के उसे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप अपने मुद्दों को समझें, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की मांग करें, नहीं तो आप एजुकेशन और हेल्थ दोनों खरीद रहे होते हैं प्राइवेट जगहों पे। हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारे देश के जो गरीब तबके के लोग हैं वो मर जाएं या फिर उनके बच्चे अशिक्षित रह जाएं, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाए। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई मिडिल क्लास है या शहर में रह रहा है, अर्बन फिनोमिना के लिस्ट में आता है, उसे भी समझना पड़ेगा कि गाँव में भी लोग रहते हैं, गाँव में ही पूरा भारत रहता है और उस भारत को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य की ज़रूरत है। तो एक आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग जुड़ें, हमारे साथ आएँ। हम एक छोटे से YouTube चैनल के सहारे आपको तमाम तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। छोटी टीम है, इसलिए बहुत मुश्किलें होती हैं, घूमना सब चीज़ करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम चाहते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर रिपोर्ट बना के दिखा सकें, आप देख सकें। चैनल को बढ़ाइए ताकि मजबूत हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि कल के डेट में हमें किसी नेता, किसी पार्टी और चाहे किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े। और हम झुकना भी नहीं चाहते हैं, छोड़ देंगे लेकिन वो नहीं करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आइए, समर्थन कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपकी। बहुत मुश्किल होता है ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट्स कर पाना, जब तक आपके सहयोग से वो चीज़ें आगे तक नहीं बढ़ पाती हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं हम लोग, क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों आज दलित शोषित वंचित तबका जो है, OBC तबका जो है वो पीछे है, इसीलिए कि आप साथ में संगठित नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं हैं। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, आप आगे लेके आइए, रिपोर्ट्स देखिए हमारी, अगर वो पसंद नहीं आती हैं तो भी सुझाव दीजिए, हम उसे और बेहतर करेंगे। पर आपसे आग्रह है कि जुड़िए, ताकि हम आपको उन तमाम वंचित लोगों की कहानी दिखा सकें, उन तमाम लोगों की रिपोर्ट दिखा सकें जिसकी आपको आवश्यकता है। आने वाले 4-5 दिनों में हम आपको बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। मैं गिन के बता रहा हूँ कि 6 रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं जो आप देखेंगे तो आप भारत को देख के शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि जिन किताबों में हमने भारत को पढ़ा है ना, खूबसूरती भारत की असल में उतनी नज़र नहीं आती है ज़मीन पर, और ये चीज़ आपने भी भापा हो। तो आइए और साथ आके मजबूत कीजिए।